सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के ओल्ड डिवाइस के अंदर आप जो है इन फिंगर डिस्प्ले लॉक कैसे लगाएंगे। आपके फोन में अगर 11 रन कर रहा है, 12, 9 वर्जन कोई सा भी हो, 13 भी अपडेट अगर आपके फोन के अंदर है तो उसके अंदर भी आप इन फिंगर डिस्प्ले लॉक लगा सकते हैं। तो चलो गाइस अभी हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हमें इन फिंगर लॉक लगाना है अपने डिवाइस के अंदर। गाइस फोन में इन फिंगर डिस्प्ले लॉक लगाने के लिए आपको 3 एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, हालांकि तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला जो एप्लीकेशन है Z Phone 3, आप इंस्टॉल कर लेना उसको। याद रहे फॉन्ट मैं नहीं अप्लाई करने वाला हूँ, इन फिंगर ही लगाऊंगा बिकॉज Z Phone 3 की मदद से ही करना पड़ेगा। दूसरा है जो है वीवो थीम एप्लीकेशन और तीसरा है एक थीम स्टोर एप्लीकेशन जिसको मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हमें अपने थीम स्टोर को अपडेट पहले करना होगा, तो सारी चीजों को आप डाउनलोड कर लीजिए और मैं यहाँ पर डेमो करके आपको दिखाते हैं कैसे हमें इन फिंगर लॉक लगाना अपने डिवाइस के अंदर। सो गाइस फोन में इन फिंगर लॉक लगाने के लिए सबसे पहले हम फॉलो करेंगे यहाँ पर Z Phone 3 वाला मेथड। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन अगर एंड तक देखते हो आप, एक बार में नहीं समझ में आता दो बार वीडियो को देखना, आप आसानी के साथ इन फिंगर लॉक लगा पाएंगे। इसको हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे Z Phone 3 को। इसके बाद टर्म ऑफ कंडीशंस आएगी, इसको रीड करके एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। इसके बाद इंस्टॉलर परमिशन आएगी, ग्रेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और सोर्सेस को यहां से अलाउ कर देंगे। हमारे पास व्हाट्स न्यू आ रहा है, इसके अंदर जो अपडेट्स वगैरह है उसको दिखा रहा है, ओके करेंगे। अब यहां पर आपको करना क्या है, किसी एक फॉन्ट या इमोजीज को आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं इस फॉन्ट को डाउनलोड करूंगा। एड्स आ रही है कोई ना, यहां से कट कर लीजिए। इसके बाद हमें इसे डाउनलोड कर लेना अपने फोन के अंदर। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे और फॉन्ट हमारा सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। अब ध्यान रहे हम इसकी मदद से अपने थीम स्टोर, जो नया थीम स्टोर एप्लीकेशन है उसको हम इंस्टॉल करके ओल्ड वर्जन को हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि 11, 13, 12 के अंदर क्या हो रहा है कि थीम अप्लाई नहीं हो रही है, तो आप थीम्स प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हो। इसको अप्लाई बटन प्रेस करेंगे, गट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, वापस इस पर क्लिक करना है। यहां पर इस तरह से सी फोल्डर क्रिएट करने के लिए, अगर आपने कोई नया डिवाइस परचेस करा है और फोल्डर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है तो वहां पर उसका नाम रखेंगे .dwd, इसके बाद क्रिएट कर देंगे। इसके बाद यूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना है। यहां पर अलाउ का बटन आएगा, इसको अलाउ करेंगे। हमारे पास वापस एड्स आ रही है, कंटिन्यू टू करेंगे इसको। इसके बाद एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी, इसके लिए ओके करेंगे और यहां पर हमारे प्लगइन की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो आप यहां पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 16 MB की ये प्लगइन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हम फॉलो करेंगे आगे का मेथड और आपको दिखाएंगे आसानी के साथ आप गाइस अपने फोन में इन फिंगर लॉक लगा पाएंगे। इसको देख सकते हो लगा दिया हमने। यहां पर इस तरह से इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेकेंड वाले ऑप्शन को फॉलो करना है क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन कभी कभी काम नहीं करता, इसलिए सीजीक्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल एप्लीकेशन पे जाएंगे और हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन और इंस्टॉल कर लेनी है, बाद में इसको इंस्टॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2-3 MB की समथिंग साइज थी इसकी जो डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर पेयरिंग पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रहे आप अपने फोन के अंदर एक वाईफाई कनेक्शन देंगे, जरूरी नहीं है कि आपके पास वाईफाई होना चाहिए, आप किसी पर्सन का फोन का वाईफाई भी ले सकते हैं जिसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। इसके बाद यहां पर पेयरिंग पे क्लिक करना है, जैसे आप पेयरिंग पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन ऑप्शन आएगा, इसको यहां से अलाउ कर दीजिएगा, वापस बैक आना है। अब यहां पर बोल रहा है कि आप डेवलपर ऑप्शन को पहले ऑन करिए। डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने का तरीका यह है कि सिंपल आप सेटिंग्स को ओपन करिए, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, अबाउट सेक्शन में जाना है, एक सेटिंग्स मिलेगी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, इसको प्रेस करेंगे और बिल्ड नंबर पे आपको 4-5 बार इस तरह से क्लिक क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन का पासवर्ड मांगेगा, उस स्क्रीन पासवर्ड को एंटर करेंगे और आपका डेवलपर ऑप्शन इजिली ऑन हो जाएगा। इसके बाद रिसेंट टाइप को प्रेस करके वापस यहीं पर आना है। अब यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करके देखेंगे तो हमारा ये इनेबल आपको मिल जाएगा, इसको बैक करेंगे वापस। पेयरिंग पे फिर से क्लिक करना है, डेवलपर ऑप्शन आ रहा है, इसको वापस क्लिक करना है। एक बात का ध्यान रहे, अगर ये मेथड फॉलो करने में कोई भी दिक्कत होती है तो सभी मेथड को दोबारा डिलीट करके फॉलो करना। इसके बाद नीचे आएंगे, एक सेटिंग्स मिलेगी USB डीबगिंग, एक बार इसको ऑन करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिल जाता है वॉलेट डीबगिंग, एक बार इसको चेक मार करेंगे एंड अलाउ पे क्लिक कर देंगे। वॉलेट डीबगिंग के लेफ्ट हैंड साइड में एक बार क्लिक करना है, जहां पर सेकंड वाले मेथड को फॉलो करना है, पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड को, एक बार इसको क्लिक करेंगे, एक कोड आ जाएगा और कोड को हमें यहां पर एंटर कर देना है। तो हमारा कोड है 500237, इसके बाद इस एरो को प्रेस करेंगे, कोड हमारा सक्सेसफुली यहां पर हो चुका है, देख सकते हैं। इसके बाद रिसेंट टैब को प्रेस करके वापस सीजीक्यू पे आना है एंड यहां पर करना क्या है, बैक आना है और स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। ध्यान रहे स्टार्ट बटन को जैसे प्रेस करते हैं, अगर डेवलपर ऑप्शन अगेन आ रहा है तो आपको जाना है वॉलेट डीबगिंग और वॉइस भी डीबगिंग दोनों को ऑफ ऑफ करके एक बार दोबारा से ऑन करके फिर से उसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके पास ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अब ये हो चुका है, यहां आप कोई मेथड फॉलो नहीं करना है, वापस यहां पर रिसेंट ऐप पे आइए। अब हमें Z Phone एप्लीकेशन को ओपन करना है, इस तरीके से कंटिन्यू टू ऐप करेंगे, स्टार्ट पे फॉलो कर देंगे और यहां पर बोल रहा है हेल्प के लिए सीजीक्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पर अलाउ ऑल द टाइम है इसको प्रेस कर देंगे तो यहां पर राइटिंग बोल रहा है,
एक्चुअली राइटिंग में क्या है कि ये देख रहा है, इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। अब करना क्या है, फॉन्ट्स को अगर अप्लाई करना है तो फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट यहाँ से हो जाता है। अब हमें थीम्स को अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने डिस्कशन में एक एप्लीकेशन दिया है थीम स्टोर एप्लीकेशन, उसको आप इंस्टॉल कर लेना। मैंने ड्राइव के अंदर अपना जो है वो एप्लीकेशन रखा हुआ है, इसको मैं प्रेस करूंगा एंड यहाँ से मैं अकाउंट को एक्सेस देता हूँ ड्राइव का। इसके बाद जहां भी हमने इसको रखा है थीम स्टोर एप्लीकेशन को, इसको ओपन करूंगा और यहाँ पर सेटिंग्स को ऑन करते हुए हम इसको अपडेट कर लेते हैं। थीम स्टोर एप्लीकेशन हमारा अपडेट हो रहा है और आप भी तब तक अपडेट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको वीवो थीम्स की जो थीम्स है उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। देखो हो चुका है, इसको ओपन करेंगे एंड कंसेंट देंगे, इसको एग्री कर देंगे सबको कंसेंट देके। इसके बाद अब क्या करना है, आपको वीवो थीम स्टोर, आपको प्ले स्टोर में जाके वीवो थीम करके एक एप्लीकेशन होती है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। चलो मैं दिखाई देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है, ये वाली एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल करिए, ओपन पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, प्रेस करके यूज दिस फोल्डर इसमें भी करके अलाउ कर देंगे तो हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉन्ट्स ओएस का एक कैटेगरी मिलेगा, एक बार इसको प्रेस करेंगे एंड इसके अंदर से हम एक थीम को इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर एज अ बाय डिफॉल्ट उसके अंदर मॉडिफिकेशन है इनफिंगर लॉक का, तो हम उसको यहाँ पर सेट करेंगे। तो हमारा इंटरनेट थोड़ा सा मे बी स्लो है इसलिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, कोई ना, यहाँ पर एक थीम मिलेगी जो ओरिजिन ओएस करके है मेरे पास, यहाँ पर ये वाली थीम्स है, हालांकि एड्स आ रही है अभी, मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो ओरिजिन ओएस आप सर्च बार में टाइप करेंगे तभी वो थीम्स आ जाएगी। अभी यहाँ पर इंटरनेट का काफी इश्यू है तभी इसलिए अपडेट यहाँ पर नहीं हो रहा है इसका इमेज वगैरह, तो कोई ना इसको डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कि डाउनलोड हो जाता है या नहीं। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 24 MB समथिंग इसकी साइज है। एक बार मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को देता हूँ क्योंकि अब हमारी वाईफाई की रिक्वायरमेंट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। वापस हम क्लिक करते हैं इसको डाउनलोड पे एंड जो हमने थीम्स को डाउनलोड करा था, अब यहाँ पर इमेजेस आप देख रहे हो, इमेजेस आ चुकी है, इवन गाइस ये थीम्स हमारी डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे करके पहले तो आपको थीम्स को डाउनलोड कर लेना है और मैंने इसको थीम्स को डाउनलोड करा हुआ है। अब यहाँ पर ये हो चुका है डाउनलोड, एड्स वापस आ रही है, एड्स को यहाँ से एक बार कट कर लीजिए फिर से। इसके बाद हमें करना क्या है, कट करने के बाद चेंज थीम पे डायरेक्टली क्लिक करना है, इसके बाद हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारे थीम स्टोर एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर मी वाले सेक्शन को चूज करेंगे, लोकल थीम्स पर जाना है, जिस थीम को हमने वहां पर डाउनलोड करा है वो थीम्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, ये वाली थीम्स है, तो इसको प्रेस करके एडजस्ट अप्लाई बटन है अप्लाई कर देंगे तो ये थीम हमारे पास सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी। अब अप्लाई हो चुकी है, थीम्स का देख सकते हो आइकन्स वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है और इसकी मदद से आप अपने फोन के अंदर थीम्स को भी चेंज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इनफिंगर की, एक बार मैं इसके पावर को ऐसे बंद करता हूं, अभी देखना तो इसके अंदर एक सेंसर हमें यहां पर आएगा देखने को। अभी देखो सेंसर आ रहा है, एक बार सेंसर को हम यहां पर क्लिक करते हैं, देखो एंड्रॉइड 9 और 10 जिसमें है 8 है उसमें क्लिक करने पे ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आपका इस तरह से नहीं होता तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके छोड़ेंगे तो ओपन हो जाएगा, लेकिन मैंने यहां पर पैटर्न लॉक लगा के रखा ऑलरेडी तो ये ओपन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर इसे एक्सेस करना है इन फिंगर लॉक को तो आपको करना क्या होगा, फोन के अंदर अपने फोन के अंदर जो पासवर्ड है इन फिंगर वाला, अगर आपने फिंगर लॉक पहले से लगाया हुआ है तो उस फिंगर को पहले हटाना होगा। ये बिल्कुल एयर अनलॉक की तरह काम करता है, इसको एज अ प्रैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रॉपरली ऐसा नहीं कि अब इन फिंगर लॉक जिस फिंगर से लगाएंगे उसी से अनलॉक होगा, किसी भी फिंगर से, किसी के भी फिंगर से हो जाता है, लेकिन अगर किसी फ्रेंड सर्कल वगैरह में दिखाना है कि हमारे फोन के अंदर फिंगर लॉक है तो नो डाउट आप इसके साथ जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपरली वर्क करता है। तो इस कंडीशन में मत रहना, देखो जिस फोन के अंदर फिंगर सेंसर होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है उसी से सिर्फ अनलॉक अनलॉक कर सकते हो एक ही फिंगर से, बिकॉज इसमें सभी फिंगर से अनलॉक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन मत क्रिएट करना। देखो ये एक तरीके से प्रैंकिंग एप्लीकेशन है, आप अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह को दिखा सकते हो कि हमारे फोन के अंदर इन फिंगर लॉक है और अपने फोन के अंदर जब भी इसका एक्सेस करें तो फोन के अंदर कोई भी लॉक नहीं होना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली काम करे, और इसको लॉन्ग प्रेस करके जैसे छोड़ेंगे ये आपका फोन अनलॉक कर देगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसके फिंगर सेंसर पे ही अगर लॉन्ग प्रेस करके छोड़ते हैं तो अनलॉक हो जाता है, अगर कहीं और आप क्लिक करके छोड़ेंगे तो अनलॉक भी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो एज अ फिंगरप्रिंट लॉक। एंड और कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।